पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। आईएमए भी हड़ताली डॉक्टरों के समर्थन में आया। देश के 19 राज्यों के डॉक्टरों ने एक साथ मिलकर 17 जून को पूरे भारत में स्ट्राइक की घोषणा की है। डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार के आगे कुछ शर्तें रखी हैं। अब कोलकाता में डॉक्टर्स के साथ मारपीट की इस घटना ने इतना उग्र रूप ले लिया है, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल को समर्थन देने का फैसला किया है। क्या थी पूरी घटना, आइए जानते हैं। कोलकाता के NRS मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया था। इस हमले में 2 डॉक्टर घायल हो गए थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसके बाद सुबह के सभी डॉक्टर्स ने ममता सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन ममता सरकार ने अनदेखी होने के चलते डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ममता सरकार से डॉक्टर्स की शर्तें। आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने ममता बनर्जी से बिना किसी शर्त के माफी की मांग की है। अपनी 6 मांगों में डॉक्टर्स ने कहा कि सीएम को घायल डॉक्टर्स का हालचाल जानने हॉस्पिटल जाना होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयान जारी कर हमले की निंदा करनी होगी। डॉक्टर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई के आधिकारिक दस्तावेज देने की मांग रखी। उन्होंने डॉक्टर्स के खिलाफ सभी मामलों को बिना शर्त वापस लेने की मांग की है। डॉक्टरों ने आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की मांग के साथ डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने की मांग भी की है। साक की लड़ाई में मरीजों का रब रखा। हमारे देश में लगभग आए दिन अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को अक्सर मिल जाती है, और उन अस्पतालों में जो डॉक्टर्स मरीज का इलाज करते हैं, वे डॉक्टर्स मरीज के लिए भगवान का रूप होते हैं। लेकिन यदि वही डॉक्टर्स एक दिन भी मरीजों की अनदेखी कर दें, फिर कहां इलाज करवाने जाएंगे मरीज? क्या साख की लड़ाई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डॉक्टर्स अपनी साख बचाने में लगे हैं, और उधर मरीजों की जान पर आई हुई है? अब देखना यह होगा कि क्या ममता सरकार डॉक्टर्स की जीत के आगे झुकेंगी या नहीं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।